संबत 1769 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को भक्तमाल ग्रंथ की टीका पूर्ण हुई, ये प्रियादासी लिख रहे हैं। बोले आपने टीका कब लिखी? तो संबत ये बताया। किसकी आज्ञा से लिखी? बोले नाभाजी की आज्ञा से। नाभाजी ने कब दर्शन दिया? बोले नाभाजी ने भगवत धाम प्रयाण करने के 100 वर्ष बाद दर्शन दिया। कितने वर्ष बाद? नाभाजी भगवान के धाम जा चुके थे, धाम प्रयाण के 100 वर्ष के बाद नाभाजी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रियादासी लिख रहे हैं, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जूके चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। प्रियादास जी महाराज का आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पौत्र शिष्य श्री मनोहर दासी और मनोहर दासी के शिष्य श्री प्रियादासी, ये परंपरा है, गुरु परंपरा है प्रियादासी की। श्री चैतन्य परंपरा के गौड़ीय वैष्णव हैं, संत हैं, विरक्त संत हैं श्री प्रियादासी महाराज। वे कह रहे हैं कि एक बार हम विचरण करते हुए गलता तीर्थ में गए और स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके अपना प्रातःकालीन नृत्य कृत्य करके महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का ध्यान कर रहा था मन हरण जू के और श्री मनोहर दास जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर रहा था तो नाम मुख गाइए अपनी वाणी से महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। उसी समय भाव विह्वल अवस्था में नाभाजी सामने प्रकट हो गए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी, उसी समय प्रकट होकर नाभाजी ने आज्ञा दी। तो आज्ञा जैसे ही उन्होंने दी तो लई धार, ये नहीं पूछा क्या आज्ञा है, मैं तुम्हें एक आज्ञा देने आया हूं, प्रभु आज्ञा सिरोधार्य है। उत्तम सेवक का लक्षण है क्या आज्ञा है इसको जानने की आवश्यकता नहीं, आज्ञा शब्द आया स्वीकार है। प्रियादासी आप भक्तों का चरित्र गाइए। नाभाजी ने 100 वर्ष बाद दर्शन दिए, इससे प्रमाणित हुआ कि जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी नित्य हैं। कौन ते प्रति जाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए आज भी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, नाभाजी आदि संत आज भी जीवों को दर्शन दे सकते हैं, देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मिथिला के एक संत थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जिनके द्वारा नाम महाराज का प्रचार गुजरात सौराष्ट्र की धरती पर विशेष रूप से हुआ। वे जगन्नाथपुरी पधारे और बड़े उच्च कोट के नामानुरागी संत थे और वहां साक्षात समुद्र के तट पर, महोदधी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संपूर्ण परिकर के सहित उनको दर्शन दिया। स्वप्न ध्यान नहीं, प्रत्यक्ष और संकीर्तन में सम्मिलित हुए उनके वो, और महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर उनसे कहा कि मेरी आज्ञा है तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। विजय मंत्र माने महामंत्र श्री राम, महामंत्र हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कलि संतरण में है और ब्रह्म विवर्त में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार
मेरे द्वारा खूब हुआ, किंतु विजय मंत्रोपनिषद में कहे गए इस विजय मंत्र का प्रचार अब तुम्हें करना है। और श्री राम जय राम जय जय राम का प्रचार उन्होंने किया। और ऐसे वैसे प्रचार नहीं किया, द्वारिका में आज भी अखंड श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन चल रहा है। और शयन आरती में पुजारी जी आए कि नहीं? कहां गए पुजारी जी? है नहीं है? जगन्नाथ द्वारिकाधीश जी के पुजारी जी भी आए। तो महाराज आज भी द्वारिका में भगवान की शयन आरती में ठाकुर जी श्री राम जय राम जय जय राम की धुन प्रेमी लोग गागा कर नाचते हैं, इसके बाद ठाकुर जी सोते हैं आज भी। क्यों? प्रेम भिक्षु जी महाराज भगवान के सामने नृत्य करके शयन में ध्वनि नृत्य करते थे, उस धुन की परंपरा आज भी चल रही है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस समय उन्होंने विचार व्यक्त किया कि द्वारिका धाम में विजय मंत्र की अखंड संकीर्तन की स्थापना हो, तो उस समय का कुछ वातावरण ऐसा था, कुछ महानुभावों ने उनका विरोध किया। बोले नहीं नहीं, यहां श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन नहीं हो सकता। कुछ बल्लभ कुल के ये जो जामनगर हवेली इधर के जूनागढ़ इधर के कुछ आचार्यों ने भी विरोध किया। बोले नहीं नहीं, यहां श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन नहीं होगा। यहां बहुत विरोध हुआ, तमाम लोग उनके अनुयायी थे, वो लोग विरोध में खड़े हो गए। तब श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा कि आप लोगों की अनुमति हो तो 3 घंटे की धुन हम द्वारिकाधीश जी के मंदिर के परिसर में कर लें। बोले हाँ, वहां कर सकते हैं। तो कैसा कीर्तन होता है उसको देखने के लिए बल्लभ कुल के गोस्वामी गण भी वहां उपस्थित थे। और जब आपने कीर्तन में भावावेश में नृत्य किया, नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहती थी जैसे किसी ने नल खोल दिया हो, जर 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 आंसुओं की धारा, शरीर से स्वेद। और उस समय जब उनके सात्विक भावों के उदय में ये मस्तक के केस सीधे खड़े हो गए हुंकार करते समय, तो हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से बड़े बड़े आचार्य अपने आचार्य कुल के अभिमान को त्याग कर उनकी पाद धूल मस्तक पर लगाने लगे। और उन आचार्यों ने ही शिलान्यास करके मंदिर की स्थापना कराई। ऐसे समर्थ पुरुष थे, परम वीतराग महात्मा। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी पात्रता होवे, ऐसा अंतकरण होवे, तो आज भी महाप्रभु जी दर्शन दे सकते हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी को श्रीधाम वृंदावन में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और महामंत्र की दीक्षा स्वयं महाप्रभु जी ने उनको प्रदान की। उनके चरित्र में लिखा हुआ है, नमे भक्त प्रणश्यति। आज भी व्यास वाल्मीकि शुक सनकादि नारद आदि ऋषि तुलसीदासी कबीरदासी सूरदासी मीराबाई प्रभृति संत, नामदेव जी तुकाराम जी ज्ञानेश्वर जी प्रभृति संत आज भी अधिकारी जीवों को दर्शन भी देते हैं, कृपा भी करते हैं, कृतार्थ भी करते हैं, इसमें संदेह नहीं। हमारा वैसा अंतकरण हो तो सही,